जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस वो वाले इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल अपीयर हों अंडर द रेडिकल साइन कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन में हमने एक तरह की रेडिकल टाइप डिस्कस की थी लास्ट टाइम, जो कि यूं थी एल टाइम ए एक्स स्क्वेयर लाइक। इसमें जो पहली दो टर्म थी वो सेम थी बिल्कुल, ठीक है। तो हमने क्या काम कर दिया था, इनको लेट कर लिया था एक नए वेरिएबल के इक्वल, और नए वेरिएबल के इक्वल लेट करने के बाद फिर हमने इसको रेडिकल फ्री बनाया था, और रेडिकल फ्री बना के आगे हमने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम लोग रेडिकल इक्वेशन के अंदर इसकी टाइप नंबर टू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इक्वेशन कुछ इस फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म कुछ यूं होगी। जी स्टूडेंट्स, तीन लीनियर फैक्टर होंगे लाइक एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, और सभी अंडर दी रेडिकल हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये काम करना है, हमारी जो वर्किंग होगी, वर्किंग कुछ ही होगी, हमने सबसे पहले इस रेडिकल इक्वेशन को रेडिकल फ्री बनाना है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, अगर यहाँ पर देखें थ्री टाइम्स रूट आ रहा है ना, तो आपको इसका रेडिकल फ्री बनाने के लिए एटलीस्ट टू टाइम स्क्वेयर लेना पड़ेगा। आप टू टाइम इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये रेडिकल फ्री बन जाएगी। आपने करना हमारी वर्किंग कुछ यू होगी, हमने स्टेप नंबर वन में इसको रेडिकल फ्री बनाना है। रेडिकल फ्री बनाने के बाद आपने रेडिकल फ्री के सोल्यूशन फाइंड करने हैं। जितने भी सोल्यूशन आएंगे वो सारे सोल्यूशन आपने इस रेडिकल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स की वैल्यूज आती हैं, दो वैल्यूज़ आ जाएँ, तीन आ जाएँ, चार आ जाएँ, जितनी भी वैल्यूज़ आ जाएँ वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन में हम उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो वाली वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई कर जाएँ उनको कहेंगे ये रूट्स हैं, ये क्या हैं, रूट्स हैं, और वो वाली वैल्यूज़ जो सेटिस्फाई ना करें हम उनको कहेंगे ये एक्सट्रेनियस रूट हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अपनी इस टाइप के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। लाइक हमारी बुक में प्रॉब्लम थ्री है, जो कि ये है जी। स्टूडेंट्स हमारे पास ये प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन है। आई एम गोइंग टू गिव दिस इक्वेशन नेम एज इक्वेशन नंबर वन। तो मैंने आपको प्लान बताया था, हमें सबसे पहले ये करना होगा इसको रेडिकल फ्री बनाना होगा, ठीक है। सो फॉर टू मेक इट रेडिकल फ्री हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वेयर करना होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम लोग इसका स्क्वेयर करेंगे इट बिकम इज इक्वल टू सेवन स्क्वेयर, ओके। सो इधर लाइक जैसे ए ये हमारी फर्स्ट टर्म है, प्लस ये हमारी सेकंड टर्म है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इट विल ओपन लाइक फर्स्ट टर्म स्क्वेयर, सो इट बिकम टू एक्स प्लस एट, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वेयर गिव अस एक्स प्लस फाइव, प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म डैट इज टू एक्स प्लस एट इंटू सेकेंड टर्म डैट इज रूट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू सेवन स्क्वेयर डैट गिव अस 49। स्टूडेंट्स हम लोग सिमिलर टर्म्स को अगर ऐड कर लें तो टू एक्स प्लस एक्स इट बिकम थ्री एक्स, एंड एट प्लस फाइव इट बिकम थर्टीन, प्लस टू टाइम्स रूट। स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों स्क्वेयर रूट्स को कंबाइन कर लें, बिकॉज रीज़न ये है कि हम जानते हैं देयर फॉर वी नो डैट कि अगर कुछ ऐसे हो रूट ए टाइम रूट बी, वी कैन राइट इट एज रूट ए बी, ओके। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो इनके ये वाले नंबर हैं ये हम इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और दोनों रूट्स एक साथ कर रहे हैं।
सो व्हेन दिस हम लोग करेंगे ये 2x लेंगे, ये दोनों नंबर्स के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फिर 8 वो इन दोनों नंबर्स के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में ये बन जाएगा प्लस 10x इज इक्वल टू 49। इफ आई शिफ्ट दीज टू नंबर्स टू अदर साइड सो इट बिकम 2 इंटू रूट 2x स्क्वेयर प्लस 18x प्लस 40 इक्वल्स टू 49 एंड दिस नेगेटिव 13 सो इट बिकम 36 माइनस 3x। सो अगेन इसको इस स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए वी हैव टू टेक स्क्वेयर। सो अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड इट बिकम 2 रूट 2x स्क्वेयर प्लस 18x प्लस 40 टू द होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 36 नेगेटिव 3x टू द होल स्क्वेयर। फ्रेंड्स जब हम लोग इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो इट बिकम 2 स्क्वेयर विल बिकम 4 टाइम्स 2x स्क्वेयर प्लस 18x प्लस 40 इज इक्वल टू 36 स्क्वेयर। ओके 36 का स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास 1296 प्लस 3x का स्क्वेयर आ जाएगा 9x स्क्वेयर नेगेटिव 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इज 36 एंड सेकेंड वैल्यू इज 3x सो इट बिकम 42 टाइम 8x स्क्वेयर 8x स्क्वेयर प्लस 18 4 टाइम इट बिकम 72x एंड 440 टाइम इट गिव अस 160 इक्वल्स टू 1296 प्लस 9x स्क्वेयर नेगेटिव एंड 2 टाइम 36 एंड टाइम्स 3 इट गिव अस 216x। ओके सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट ऑल द टर्म्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। ओके सो हेयर वी गेट 0 एंड 9x स्क्वेयर नेगेटिव 8x स्क्वेयर देन नेगेटिव 216x नेगेटिव 72x नेगेटिव प्लस 1296 प्लस 1296 नेगेटिव 160। ओके सो वी गेट x स्क्वेयर एंड नेगेटिव 216 एंड नेगेटिव 72 इट बिकम नेगेटिव 288x 1296 माइनस 160 इट गिव अस प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन देखें तो इसके फैक्टर कुछ यूँ होंगे x के नेगेटिव 4x नेगेटिव 284x प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। सो बट कॉमन वी कैन टेक x इंटू x नेगेटिव 4 नेगेटिव 284 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो इट बिकम x नेगेटिव 284 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स अगर हम इनको सेपरेटली 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं सो इट बिकम आइदर x नेगेटिव 284 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी विल गेट x इज इक्वल टू 284 एंड here we get x is equal to 4. So basically these are solution of
radical free equation. Now we will substitute this solution into radical equation one by one. Okay, so मेरी recommendation हमेशा ये होती है कि देखें दोनों में से कौन जितने भी नंबर हैं उनमें से कौन सा नंबर ईजीली सब्सिट्यूट हो सकता है फर्स्ट ट्राई फ्रॉम डैट नंबर. सो फोर आई बिलीव इट इज ईजी टू चेक टू वेरीफाई. सो टू चेक वाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सब्सिट्यूट ऑल द सॉल्यूशंस इनटू रेडिकल इक्वेशन दैट इज अर्लियर वी कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन दिस वन. ओके इनटू दिस इक्वेशन सो इट बिकम so students equation number 1 become root 2 times 4 plus 8 plus root 4 plus 5 equals to 7. So it become 2 4 times 8 plus 8 16. 16 square root will be 4. So I'm going to write 4 plus students 4 plus 5 is 9. So 9 square root is 3. 3 is equal to 7. So it gives us 7 equals to 7. Similarly, if I can solve over here for you, so it would be better, I believe. And solve in this slot. Okay. So in this way, you are able to see your whole problem on the same page. This time we are going to substitute in equation number 1. So equation number 1 become root 2 times 284 plus 8 plus root 284 plus 5 is equal to 7. स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बिकम 289. सो रूट 289 विल बी दिस रूट गिव अस 17. ओके सो प्लस 7 इज इक्वल टू 7. स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इसकी जो भी वैल्यू हो यानी इसका रूट आपने सॉल्व किया यू विल गेट सम वैल्यू ओवर हेयर. सो बट क्योंकि ये उसमें कुछ ऐड ही हो रही है ना यानी प्लस ये वाला नंबर तो देखें ऐड होने के बाद क्या दोनों साइड का आंसर सेम है. नो सो दिस मीन्स डैट कि 284 हमारा सॉल्यूशन नहीं है. हमारे सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक नंबर आ रहा है जो कि हमें सेटिस्फाई कर रहा था हमारी रेडिकल इक्वेशन को एंड डैट इज़ 4. सो 4 इज अवर सॉल्यूशन सेट. दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर प्रॉब्लम. जी स्टूडेंट्स ये दो प्रॉब्लम हैं प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5. फ्रेंड्स ट्रस्ट मी आई एम गोइंग टू लेफ्ट दीज टू प्रॉब्लम्स फॉर यू. आपने क्या काम करना है इफ़ आई कैन गिव एन ओवरव्यू. सो गिव दिस इक्वेशन फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं आप इस इक्वेशन को इनिशियली इक्वेशन नंबर 1 कह लें. सबसे पहले आपने इसको रेडिकल फ्री बनाना है. रेडिकल फ्री बनाएंगे तो क्योंकि इसमें दो दफ़ा स्केयर रूट आ रहा है सो दिस मीन्स डैट यू हैव टू टेक 2 टाइम्स स्क्वेयर ऑन बोथ साइड जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया. ठीक है ऐसा करने पर ये रेडिकल फ्री बन जाएगी और रेडिकल फ्री होने पर आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. आप वहाँ से दो वैल्यूज आएंगी आप उन दोनों वैल्यूज को वन बाय वन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपका सोल्यूशन सेट और जो ना करे वो एक्सट्रेनियस रूट. सिमिलर वर्क आप यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि इसमें तीन दफ़ा रूट आ रहा है तो यू हैव टू टेक 2 टाइम्स स्क्वेयर. ओके सो व्हेन यू टेक 2 टाइम्स स्क्वेयर देन योर इक्वेशन विल बी रेडिकल फ्री और एंड ट्रस्ट मी डैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो यू विल सॉल्व डैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द टेक्निक एंड देन यू विल गेट 2 वैल्यूज. So one by one you have to substitute that values into this equation number 1. So which
that satisfy this equation called the root of this equation, and which does not satisfy, we call that root as extraneous root. So please try to solve these two problems.